आज बना रहे हैं हम छोले चने को हमने ये रात भर भिगो दिया था, तो इसकी आज हम नई रेसिपी बना रहे हैं, नया नाश्ता कह सकते हैं, जिसमें कुछ भी झंझट नहीं है। बस कढ़ाई में मीडियम आंच पर हमें तेल गरम करना है और इसको धुल के हमने ले लिया है, चने को बिन के साफ किया था भिगोने से पहले ही, रात भर भिगो दिया है, सारा पानी निकाल दिया और इसको कॉटन से अच्छे से पोंछ लिया कि इसमें पानी ना रह जाए। इसके बाद मीडियम आंच पे ये तेल गरम होते ही हम ये चने को बस ऐसे ही डायरेक्ट फ्राई कर देंगे। ये देखिए, जब इसे आप डालिएगा मीडियम आंच पे पकाइएगा, तो एक बात ध्यान रखिएगा, चने ना बहुत देर तक मत पकाइएगा, बस मीडियम आंच पे 2 मिनट या 3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये डकते हैं तो जलने का डर रहता है। और अगर आपको और भी ज़्यादा डार्क स्पाइसेस पसंद है तो आप हल्का सा इसको इस तरह से कवर कर दीजिएगा ताकि ये इसी में उछले, उसके बाद फिर हटा दीजिएगा और उसके बाद कढ़ाई से बाहर कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये डगने वाली है, इसे हम आज से कढ़ाई से बाहर कर ले रहे हैं इस तरह से ताकि ये डगे नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस छोले को हमने कढ़ाई से बाहर करके टिश्यू पेपर में इसका सारा ऑयल पोंछ लिया है और इसके साथ ही हमने इसमें रखा है 1/2 चम्मच से कम नमक है और चाट मसाला 1/4 चम्मच, लाल मिर्च 1/4 चम्मच, काली मिर्च 1/4 चम्मच। तो फ्रेंड्स, हम इन सब चीज़ों को इसी गरम गरम में इसमें मिक्स कर देंगे इस तरह से, और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद चला लेंगे। फिर इसको हम लोग चाय के साथ भी खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, या आपको जिस तरह से भी मन हो, आप दोपहर के में भी इस तरह से बना लिए, कुछ चटपटा खाना इसका मन है, या छोटी छोटी भूख है, जैसे बच्चे शाम को जिद करते हैं मम्मा कुछ चाहिए, तो ये इतना टेस्टी लगता है ना कि जब आप इसे खाते हैं तो बस मज़ा आ जाता है, नमकीन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती फ्रेंड्स। तो आप इस तरह से इस रेसिपी को मिनटों में तैयार कर सकते हैं। देखा आपने, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगा और खाने में भी हेल्दी और टेस्टी है, एक स्प्राउट जैसा टेस्ट है। तो आप जो है इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो